गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर कौशल चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नरेश सेठी के ठिकानों पर आज रेड की। क्राइम ब्रांच ने रेड कर 67 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड, पासबुक, 2 लग्जरी गाड़ियां, 1 बाइक, 2 स्कूटी और 2,00,000 कैश बरामद किया। एसीपी क्राइम ने बताया कि यह रेड सुबह 5 से 10 बजे तक चली, यानी 5 घंटे तक चली। इस रेड को 7 एसीपी, 13 क्राइम टीम और 9 इंस्पेक्टरों ने 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ अंजाम दिया। 19 जगह ऐसे लोगों को टारगेट करके जो गुड़गांव में या तो गैंगस्टर के परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे या वो उनको संरक्षण देने वाले लोग थे, इस तरह के 19 लोकेशंस को जो हमने टारगेट करके और उनके साथ एक साथ 6 बजे आज हमने उनके घरों पे पुलिस भेज के और उनके सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें काफ़ी स्तर पर कामयाबी मिली, जिसमें 3 हमने अलग अलग केस भी रजिस्टर किए हैं। एक जगह से जो खुखरी मिली, जो लंबा चाकू जिसे हम कह सकते हैं, उसका हमने अलग से मुकदमा दर्ज किया है। और ये सुमित एलियास बबुआ था, जो फरकनगर में विलेज वसुंडा का रहने वाला है। इसी तरह एक प्रीति, वाइफ ऑफ अजय जेलदार, जो खोड की रहने वाली है और यहाँ सेक्टर 10 के इलाके में किराए पर रह रही थी, उससे एक चाकू बटनदार मिला, तो उसके संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही संदीप त्रिपड़ी है, इसके वहाँ से हमें एक मैगजीन, जो पिस्टल की मैगजीन थी और उसका कवर, वो चीजें मिली, तो उसके संबंध में भी आरएमजेक का पर्चा दर्ज किया गया। दरअसल इससे पहले एनआईए भी इन तमाम गैंगस्टर्स के ठिकानों पर 3 बार रेड को अंजाम दे चुकी है और कई अहम दस्तावेज और हथियार बरामद कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके गैंगस्टर्स के नेक्सस को तोड़ना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर रेड की गई है। देखना होगा कि इस रेड के बाद पुलिस क्या कुछ खुलासे करने में सफल होती है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से निर्जीव श्रेष्ठ की रिपोर्ट।